आज आपण मान को प्रेस वार्ता को डाकिवार मुख्य उद्देश्य हला जे रेल मंत्री श्री अश्विनी बस्तम ओडिशा गस्तर अछंती एवं विभिन्न कार्य प्रोजेक्ट सब रेलवे रो जहाँ सब चली से संपर्क में कौन तर वक्तव्य रखिंट तेणु मौलिक कथा हला रेल मंत्री हला परे एवं रेल मंत्री से ओडिशारु एठो उभय बीजेडी एवं बीजेपी रो समर्थन रे राज्यसभा को गले एवं तापर से रेल विभाग रो दायित्व नले ता छड़ा भी अन्यान्य बहु गुरुत्वपूर्ण दायित्व अछंती प्रथम निष्पत्ति से नेले ओडिशा संपर्क करे जे ओडिशार ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन 1996 श्री एस डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थिला बेले एवं रामविलास पासवान को रेल मंत्री बेले मु भी से समय केन्द्र मंत्रिसभा मंत्री थाए एवं ओडिशार बहुत दिन दाबी ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन प्रतिष्ठा करागला वाल्टियर खोर्धा रोड एवं संबलपुर डिविजन को नहीं वाल्टियर रेलवे जोन प्रतिष्ठा होता एवं गत 10 वर्ष हला ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन प्रति वर्ष इंडियन रेलवे को जिते रेल जोन अच्छी सबुठ अधिका लाभ दे था प्राय 25,000 कोटी मुझे बुझुली प्रति वर्ष ईस्ट कोस्ट रेलवे रु इंडियन रेलवे पाए किंतु ओडिशा रेल विकास जो गति चलिबा कथा ता वर्तमान सुधा भी हो पारिना किंतु सबुठ दुर्भाग्यर कथा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन रो सबुठ लाभदायक डिविजन थिला वाल्टियर डिविजन से वाल्टियर डिविजन को मिसाइ दिया गला आंध्र रे गोटे नुआ रेल जोन प्रतिष्ठा करा गला ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन रु आकु बाहर कर निया गला एवं सही समय रे जहार परिणाम होची ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन प्राय 10,000 कोटी टंका वर्ष को लॉस करी ए निष्पत्ति हला बळे मु मुख्यमंत्री को एवं रेल मंत्री को प्रधानमंत्री को समस्त को जणैली चिट्ठी लिखली जे ओडिशा को आपण काही की ए निष्पत्ति नेले जा फळले ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन को एक प्रकार पंगु करा होची से संपर्क में भारत सरकार एवं विशेष कर आशा करते एवं लोके भी स्वाभाविक भाव आशा करने कथा जेहेतु श्री वैष्णव होती ओडिशा रो राज्यसभा को जाती सबुठ भल कथा कौन से उभय दल समर्थन नहीं बीजेडी एवं बीजेपी रुँली से ओडिशापाई विशेष आग्रह प्रकाश करे ये निष्पत्ति को ओर जब जदि आंध्र प्रदेश वाल्टियर डिविजन ताले से बहु लोकों दाबी है जे बोधुए केंद्र सरकार निष्पत्ति करी स्टेट सेंट्रिक जोन प्रतिष्ठा करने अर्थात जो राज्य जी रेलवे अच्छी से ही जोन गोटे कर राज्यर समस्त रेल अंचल को सामिल करा करागला आंध्र प्रदेश जदि से कथा भी निष्पत्ति नहीं थे ताल से कथा भी स्पष्ट करवा उचित रेल मंत्री जदि स्टेट सेंट्रिक रेलवे जोन करने जापत्ति जो वाल्टियर को नेले आंध्र डिविजन को आंध्र जोन को ताहले साउथ ईस्टर्न रेलवे रे, जो अंचल रही ओडिशा रो जथा राउरकेला हला सुंदरगढ़ हला झारसुगुड़ा पर्यंत एवं एपटे मयूरभंज एवं बालेश्वर भद्रक जाए ताको ओडिशा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में मिसाइ दिया जाओ यदि वाल्टियर को आंध्र को दबा निहाती आवश्यक ताले सही हिसाब से जोटा रही साउथ ईस्टर्न रेलवे रे, ताको मिसाइ दिया जाओ एठरे ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन रे मु भावुची रेलवे होची भारतर इंटीग्रेशन रो सबुठ बड़ एक अस्त्र तेणुक स्टेट सेंट्रिक केत करा जाए ना मोर मन अच्छी जो वाल्टियर डिविजन को लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन प्रतिष्ठा होता
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେଉଁଠି ଗଛ କଟା ହେଲେ କେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗେଇବ, ସେ ତ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାର କାହିଁକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପଠେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ରୁଟିନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲ ବିକାଶର, ସେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍, ତାକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ତାର ମେନ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଅଲଗା କରିନେଲ? ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୟା ମାଗୁନୁ ତ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ରେଲ ବିଭାଗରୁ କି ଭାରତ ସରକାରରୁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଭ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ କରିଦେବୁ ସେ ଲାଇନ୍ କରିଦେବୁ, ଆରେ କରିବ କ'ଣ? ଆମେ ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମର ଗୁଡ଼ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ ଯାହାର ଲାଭାଂଶ ଯାଉଛି ରେଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୁଲ୍କୁ, ତ ସେଥିଲାଗି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନା ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତ ରେଲ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ମୂଳ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ଆଉ ଯଦି ନେଲ ତାହେଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ରେଲ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଲ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ରେ ତାକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କର, ଏବଂ ଆଣିକି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 16-20 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ସଂଖ୍ୟା? ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଏତିକି ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ରେ, ତୁମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଉନ ଆମର ରେଲ ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ, ଇଭିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ୱାଇ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗରିବୀରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ, ଆମ ପିଲା ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦାଦନ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ରେଲୱେରେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବି ହଉ? ତ ସେଥିଲାଗି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ 1% ମାନେ 20-30 ହଜାର ଲୋକ, ଏଣ୍ଟାୟର 20 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 15-20 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ, ସେ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ସେ ଗଲେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଏବେ ଉଭୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାଫଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିକି କାମ କର, ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେତେଦିନ ଶୋଇବେ? ମୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ବାଇ ଫର୍କେଟ୍ ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜୋନ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍।
And I am also putting another question to Naveen Patnaik as Chief Minister of Odisha. Why are you silent till now? कौन पाई नीरव रही ये मामूली निष्पत्ति की ये तो मामूली निष्पत्ति नुहे गोटे कोच इनागुरेट करने जो डिविजनल मैनेजर करवा कथा से लगे रेल मंत्री समय मिलूँ ए संपर्क उत्तर देवाई समय ना कौ गाड़ी में गोटे कोच लगे से लगे तंबी तोफान हो राज्य हास्यास्पद कथा जो डिविजन मैनेजर ताको करवा कथा कौन आम विराट जिनस करके आज गोटे कोचटे तपस्वी रेल लाइन रेल से गाड़ी में लगेदेलु ये जोकिंग टू द पीपल ऑफ ओडिशा तेणुक मोर अनुरोध रेल मंत्री को यह संपर्क स्पष्ट करूँ कौन पाई ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन को बाइफर्केट करागला कौन पाई ताको पंग करागला इसे संपर्क स्पष्ट कहतु एवं मुख्यमंत्री मध्य ए संपर्क में कौन कर कौन कही प्रधानमंत्री को से संपर्क स्पष्ट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद रे बंद कर महाप्रभु जगन्नाथ को ही पवित्र भूमि रे आमर यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी जी जहाँ आशीर्वाद रही आम मानी से ओडापी वर्ष रेलवे रे विभिन्न प्रोजेक्ट सब अप्रूव हो प्रोजेक्ट भितर सबुठ बड़ कथा है आम जहाँ आकांक्षी जिला गुड़िक जो जिले रे रेलवे रो केबे लोक चिंता भावि नथिले जे केबे रेलवे आसीबो से सबु क्षेत्र रे रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हो आगे बरगढ़ रु नुआपड़ा से नुआ प्रोजेक्ट गोटे न्यू रेल लाइन तापर जूनागढ़ रु नवरंगपुर नवरंगपुर रु जयपुर जयपुर रु कोरापुट कोरापुट रु मलकानगिरी मलकानगिरी रु भद्राचलम पर्यंत कंप्लीट एडे बड़ो रेल लाइन जहाँ कि आम संपूर्ण पश्चिमांचल को अति महत्वपूर्ण भाव में जोड़ से ही रेल लाइन टा विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न स्टेज रे सैंक्शन हो समस्ते जानवा कथा जे आगे किछि जम्मा अल्प टिके किछि पैसा आसुथिला 2014 पूर्व 2014 परे जेते बेले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत रो नेतृत्व नेले ता पर ठारु पूर्व देरो से जहाँ परिकल्पना देछंती सेथरे ओडिशा को प्रत्येक वर्ष 5000 कोटी प्रत्येक वर्ष 5000 कोटी टंका आसुची आउ एही वर्ष 2021-22 जहाँ चलित वर्ष 7000 करोड़ 7000 कोटी टंका सैंक्शन करिसेंती मोदी जी तार रिजल्ट आसिला आज आपण देखंतु खुर्दा बोलांगीर रोड रो प्रोग्रेस आगे महीपुर पर्यंत होइकि थिला महीपुर रु नुआगांव आसंता मासे कंप्लीट होइजिबो नुआगांव रु दसपल्ला लैंड इश्यूटा रिजॉल्व हो जाइछि आसंता 8-10 मास भितर से ही कामटा कंप्लीट हो दस पल्लू बुगड़ा बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन अच्छी जहाँ कि वर्तमान सुधा फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलनी मुवेदन करुच्छे राज्य सरकार को मध्य जे जल्दी शीघ्र फॉरेस्ट क्लीयरेंस करूँ लैंड एक्वायर करके दिंतु ओडापी अर्थर कौन अभाव ना रेलवे रे। जेकोसी प्रोजेक्ट पैसा दरकार पड़ ये सब स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट्स अच्छी ये सब प्रोजेक्ट्स फंडस कौन अभाव नहीं आमर अनुगुल तालचेर लाइन आमर सुंदरगढ़ रु गोटे लाइन आसुची से क्या नाम है उसका बांसपानी से है ना नहीं बांसपानी से नहीं बंडम बिमलागढ़ बिमलागढ़ तालचेर लाइन सब प्रोजेक्ट्स पाई सफिशिएंट फंड्स अच्छी फंड्स दिया जाइछी मो सब अफसर मानक आपन को सामने पचारि कौन सी जगह फंड्स कमी नहीं शीघ्र काम करंतु या छड़ा आउ गोटे बहुत बड़ महत्वपूर्ण कामटा जे आमर 10 जिला पाई फेज रे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4G टावर हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी पाई 4000 विलेजेस 4000 गांव पाई पाखापाखी 3500 कोटी टंका मंजूरी करिसेंती सैंक्शन करिसेंती जहाँ कि आम यही अंचल भाई भौनी मानंको पाई अति महत्वपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी इंटरनेट हाई स्पीड नेटवर्क टावर मिलिबो से सबू
गत डिसेंबर मास रे अप्रूव करी खूब शीघ्र इतने काम चलो आसंता दस बारह मास रे से टावर रेडी है कि कमिशन हो रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन विभिन्न आमर ओडिशा रो विभिन्न रेलवे स्टेशन पाई कार्य खूब तेजी से चली विशेष करी भुवनेश्वर पाई आमको ए स्टेशन राज्य सरकार मिलला तीन चार मास तले अति शीघ्रातिशीघ्र स्पीड रे काम कर कंप्लीट सर्वे डिजाइन प्रोसेस चली डिजाइन रो फाइनल अप्रूवल विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज हम डिजाइन अप्रूव हेले सांगे सांगे पुणी काम स्टार्ट करिबा खोरदा रोड डी सब प्रोजेक्ट्स पाई एत्ते सब सदिच्छा अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी जे आम समस्ते धन्यवाद दौचे आज कृतज्ञता ज्ञापन करूचे साढ़े चार कोटि आप भावंतु केबे भावि नथिले मलकानगिरी अंचल रे केमिति रेल पहुँचिबो किंतु प्रधानमंत्री जी अप्रूव करिसेंती जूनागढ़ नवरंगपुर जयपुर कोरापुट मलकानगिरी मलकानगिरी रु अप टू भद्राचलम कंप्लीट आमर ए बेल्ट को कनेक्ट करिबा पई रेलवे नेटवर्क रे एडे सुंदर कामटा एते महत्वपूर्ण सैंक्शनटा आम समस्ते साढ़े चार कोटी ओडिया भाई भौनी मानन को तरफ आमे नमस्कार जणाउछि धन्यवाद जणाउछि आपन को भी आमे धन्यवाद जों ओडिसा वासी तरफ बढ़िया काम।